सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। थोड़ा सा आकाश खुला है, थोड़ी सी माटी घोली है, जीते जाते इंसानों की मध्यम सांसों की बोली है। महका महका आपका पानी, जो मनुष्य लोभ मोह तथा अहंकार को त्याग देता है वही साधु कहलाता है। सच्चा साधु सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है, अंत में वो वैकुंठ पाता है। लेकिन लोभ एक ऐसी वस्तु है जो साधु को भी वश में कर लेता है, उसको उसके रास्ते से विचलित कर देता है। आज तुम्हें मैं एक ऐसे ही साधु की कहानी सुनाता हूं। बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में तीन मित्र रहते थे। एक बार उन तीनों ने विचार किया कि अपनी कला का प्रदर्शन शहर जाकर किया जाए। तो ये विचार कर उन तीनों ने अपना अपना सामान बांधा और शहर की तरफ चल पड़े। अब जो शहर का रास्ता था वो घने जंगल से होकर जाता था। अचानक दूर उन्हें कुछ रोशनी का आभास हुआ। वो उस तरफ बढ़े। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? एक साधु अलाव जलाए तपस्या में लीन बैठा है। तीनों ने रात वहीं बिताने का विचार कर साधु को जा दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम साधु महाराज। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या करने आए? क्या मेरी तपस्या भंग करना चाहते हो? क्षमा करें महाराज, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ महाराज, हम तीनों मित्र हैं। मैं सुनार, ये दर्जी और ये बढ़ई है। तीनों जीविका कमाने के इरादे से शहर जा रहे थे, रास्ता भटक गए। आपको देखा तो हौसला आया। मुझसे क्या चाहते हो? एक रात का आसरा चाहते हैं महाराज, प्रातः होते ही हम शहर की ओर चल देंगे। मुझे तुम लोग ईमानदार आदमी लगते हो, तुम यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए महाराज। कुछ समय बाद मैं अपनी तपस्या में लीन हो जाऊंगा। तुम तीनों को बारी बारी से जाकर इस अलाव का ध्यान रखना हो। अलाव बुझने ना पाए इसमें बराबर लकड़ियां डालते रहना। आप चिंता ना कीजिए महाराज। और सुनो, यहाँ आसपास जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं, परंतु इस धूनी के निकट कोई नहीं आ सकता। फिर ठीक है महाराज। तो ठीक है, मैं अपने भगवान से लौ लगाता हूं। हम तीनों बारी बारी से एक एक पहर जागते हैं। ठीक है। तो बताओ, हम तीनों में से पहले कौन जागेगा? तुम दोनों सो जाओ, पहली पहर मैं जागता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अलाव बुझने ना पाए। मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सोते हैं। कितनी सुंदर लकड़ी है, मैं चाहूं तो इसकी सुंदर सी मूर्ति बना सकता हूं। चलो बनाता हूं। अरे वाह, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सुंदर बन गई।
पहर खत्म होने को है। अब मैं सोता और दर्जी को जगाता। अरे भाई, ओ भाई, उठो, अब तुम्हारी बारी है। दूसरा पहर शुरू हो गया क्या? हाँ। ठीक है भाई, अब तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ। अलाव का ध्यान रखना। रखूंगा। जल्दी जल्दी प्रातः हो तो चले शहर को। अरे ये क्या, इतनी सुंदर मूर्ति? ये जरूर शिवदत्त की कला है। कमी है तो सिर्फ वस्त्रों की। मैं इसके लिए कपड़े सिलता हूँ। मेरे पास सभी कुछ तो है, कपड़ा, सुई, धागा। लगता है तीसरा पहर शुरू हो गया है। अब बारी है फकीर चंद की। भैया फकीर चंद। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने पहले तो इसे कभी देखा नहीं। समझ गया, इन दोनों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, मगर इसमें एक कमी है, उसे मैं पूरी करूंगा। ये हुई ना बात, अब लग रही है अप्सरा। ये क्या, मुझे तो नींद आने लगी, थोड़ा और सो लेता हूं। सुंदर, अति सुंदर, ये इन तीनों की करामात लगती है। यदि इसमें जान पड़ जाए तो इससे सुंदर नारी इस पृथ्वी पर होना असंभव है। प्रणाम महाराज। कल्याण हो देवी, सुंदर, अति सुंदर, तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ। आप ही की तो दासी हूँ महाराज। अरे ये तो साक्षात देवी है। ये तो कोई अप्सरा मालूम पड़ती। हाँ भाई हाँ। अच्छा, अब सूर्योदय होने वाला है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। परंतु महाराज, ये स्त्री? ये स्त्री मेरी धर्म पत्नी है, इसी के लिए मैं वनों में भटकता रहा। नहीं महाराज, इसे मैंने अपने हाथों से तराशा है, ये मेरी है। और इसे सुंदर सुंदर कपड़े मैंने ही पहना है महाराज, ये मेरी है। इसे गहने मैंने पहना है महाराज, ये मेरी है। नहीं, ये मेरी है। आप तो साधु है महाराज, आपका गृहस्थी से क्या वास्ता? जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं, नहीं, हम इसे लिए बगैर नहीं जाएंगे। ए तपस्वी साधु, तू अभी तक सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हुआ। लोभ, मोह और अहंकार ने तेरी सारी तपस्या भंग कर दी है। ये तो तेरी एक परीक्षा थी और तू इस परीक्षा में विफल हुआ। अब तू एक आम आदमी है। तो सज्जनों, इस प्रकार उस मूर्ख साधु ने अपनी सारी तपस्या को व्यर्थ कर दिया। लीजिए महाराज, ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। मूर्ख, तुम अभी भी नहीं समझे? हम धन को छूना भी पाप समझते हैं। धन से हमें सख्त घृणा है, इसे हमारे से दूर रखो। ये धन हमारे चेले सुखानंद के हवाले कर दो। सुखानंद जी महाराज। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ तो सज्जनों, अब बात धन की हो रही है। जितना भी धन इकट्ठा होता है बद्रीनाथ पहुंचा दिया जाता है, समझ गए आप लोग? और हाँ, आज के बाद मुझे कोई धन मत दिखाना, सीधा सुखानंद के हवाले कर देना। जो भी धन इकट्ठा होगा बद्रीनाथ में हो रहे यज्ञ में दे दिया जाएगा। महाराज। हाँ बच्चा। ये भेंट स्वीकार कीजिए।
इसमें वो कहाँ है? क्या महाराज? धन। पर वह तो आप कह रहे हैं। जय भोलेनाथ। बच्चा हम तो कहते हैं, हमें तो कहना है, सोचना तो तुम्हें है बच्चा। धन के बिना दान नहीं लगता, इसमें कुछ डालो, हमें मत दिखाना, सुखानंद के हवाले कर दो। कितने हैं? 21 है महाराज। चलेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सुखी रहो बच्चा, सुखी रहो। महाराज क्या समस्या है बच्चा? महाराज थोड़ी राज की बात है, आपसे अकेले में करना चाहता हूँ। अकेले में? अकेले में क्यों? बात ही कुछ ऐसी है महाराज। हम अकेले में किसी से बात नहीं करते, हम साधु हैं, कोई सिपाही नहीं। जो भी बात करनी है सबके सामने खुल कर कहो। धन है महाराज, धन है। जल्दी बोलो। महाराज मैं इस नगर का निवासी नहीं हूँ, मैं रातीबल का रहने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ। व्यापार करने के विचार से इस नगर में आया था, रास्ते में चोरों ने मुझे घेर लिया। घोर पाप, घोर पाप। और महाराज सारा सामान मेरा लूट लिया। महाराज थोड़े से धन की एक थैली मैंने छुपा ली और जान बचाकर भागा। महाराज इस धन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी, सोचता हूँ अगर ये धन भी चोरी चला गया तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है महाराज कि ये धन की थैली आप अपने पास रख लीजिए। मुझे विश्वास है महाराज मेरा धन आपके पास सुरक्षित रहेगा। विश्वास के बच्चे, तूने हमें समझ के रखा है। खजांची, जो हम तुम्हारे धन की रक्षा करें। साधुओं से ऐसी बात करता है तू, हम तुझे श्राप देंगे। क्षमा कीजिए महाराज, महाराज क्षमा कीजिए। सुखानंद, क्षमा कीजिए। धक्के मार कर बाहर निकाल दो। जी पापी है, घोर पापी। नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्षमा महाराज, सज्जनो, हमारा चित बहुत अशांत है, आज का सत्संग यही समाप्त किया जाता है। जाओ। जय भोलेनाथ। जाओ। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? मेरा नाम गणपत है। गणपत भैया, हो गया ना बंटरदार? हाँ भैया, साधु महाराज ने कहा खुले में बात करो सबके सामने। खुले में बात की तो धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। अभी भी नहीं समझे? अरे नहीं समझे तो सुनो, गुरुजी ने सोचा कि अगर वो धन सबके सामने ले लेंगे तो हो सकता है कि उन्हीं में से कोई चोर हो और रात में ही उनका गला दबा दे। इसीलिए उन्होंने ये समझे कि नहीं? अरे भैया मैं मूर्ख था, उस समय समझ ही नहीं पाया। देखो अब कुटिया में कोई नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो, वो तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। नहीं भैया मुझे डर लगता है। अरे कहां ने? अरे कहां ने, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, नहीं तो किसी दिन धन से जाओगे और हो सकता है जान से भी। हाँ भैया तुम सच कहते हो। हाँ तो चलो मेरे साथ। चलो भैया, चलो चलो। महाराज वो लोग आ गए हैं। अब ये मूर्ख फंसा। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, ये मूर्ख फिर यहाँ आ गया। गुरुजी इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। महाराज मेरी सहायता कीजिए, महाराज महाराज क्षमा कीजिए। अरे मूर्ख, हम ऐसे वैसे अरे ग्यारे नथु खरे साधु नहीं है। गुरुजी गुस्सा थूकिए और इस बेचारे की सहायता कीजिए, इस गांव में इसका कोई नहीं है। ये तो और भी अच्छा हो गया। अच्छा बेटा निकाल धन। जी महाराज। जी महाराज। हट हट, पीछे हट। अरे इससे हमें सख्त नफरत है, भाई को भाई से, बेटे को बाप से, बहू को सास से, गुरु को चेले से अलग कर देता है। अलग अलग प्रणंद। जी गुरुजी। इधर आ। जी आया। इसे कुछ खोदने को। जी गुरुजी। और बच्चा तेरा नाम क्या है? गणपत महाराज। इधर आ बच्चा। जी महाराज। एक मेरे पीछे एक पेड़ है। जी महाराज। इसके नीचे कहीं गड्ढा खोद उसमें अपना धन गाड़ दे
और जब जी चाहे निकाल कर ले जा। जी महाराज। तेरे धन की रक्षा हो। मेरा धन, मेरा धन, तेरा धन, मेरा धन अलग। ये लो सफल धन, और शुरू हो जाओ। जी जा। महाराज, धन दबा दिया है। दबा दिया तो बच्चा जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ, जब चाहो आकर ले जाना। धन है महाराज। जीते रहो बच्चे। धन है महाराज, धन है, धन है महाराज। सुखानंद खुलानंद। जी गुरु जी। वाह बेटा वाह, तुम्हारा जवाब नहीं, गुरु तो गुरु, यहाँ तो चेले भी गुड़ हो गए। तो गुरु जी निकाले धन। मूर्खो, अभी नहीं, अगर वो वापिस आ गया तो हो जाएगा कल्याण। आज करो विश्राम, कल लेकर ईश्वर का नाम, कर दो धन का काम तमाम। जय भोलेनाथ। सारा दिन ठीक मांगो, मंदिर में हेरा फेरी करो, ये भी कोई बात है? ये कोई बात नहीं है। हाँ? आप सहा नहीं जाता है। हाँ? इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। खुलानंद। हाँ? जरा मेरे पास आओ। अभी आया। जल्दी आओ। ये लो, इधर आओ, इधर आओ, नजदीक, इधर अपना कान लाओ। आज आधी रात को यही गवाह है। खुद ना शुरू करें। ठीक है, ला मुझे तू सफल दे। ये ले। अरे ये क्या कर रहा है यार, अपना हाथ तो जरा हटा। मेरा हाथ तो मेरे पास है, पर तू अपना हाथ तो हटा मेरे कंधे से। मेरा हाथ? हाँ, तेरा कंधा। बच्चे तुम्हारा बाप, उठो उठो उठो, अपने बाप को आसन पर बिठाओ। चला चला बिठाओ। तो बच्चे, तुमने सोचा साधु बाबा तो गए पड़ोस के गांव, अब दो चार दिन तो लौटेंगे नहीं, अच्छा मौका है, सारा धन समेटो और चलते बनो। लेकिन बच्चे, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं सुबह से ही समझ गया था कि तुम दोनों की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए शाम से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। शाम से? हाँ, शाम से। बेटा, गुरु को चकमा देने चले थे। हाँ, गुरु को चकमा देने चले थे। मैं तो चकमा देता एक बात है, यहां उस व्यापारी का धन घड़ा है, ये बात व्यापारी, मैं और वो दोनों धूर्त जानते हैं, और वो धूर्त बहुत चालाक है। कल रात तो ये धन बच गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो चुपके से आए और धन खिसका कर जंगबद हो जाए। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं। अलोक, एक काम करता हूं, ये धन यहां से निकाल कर कहीं और छुपा देता हूं और अपना हुलिया बदल लेता हूं, कोई मेरे को पहचान ही नहीं सकेगा। अलोक निरंजन। हे भगवान, यही वो जगह है। हाँ, यही साधु बैठता था, कहाँ गया, पेड़ भी यही है, यही मैंने अपना धन गाड़ा था, लेकिन
साधु चला कहां? जय भोलेनाथ। किसे ढूंढ रहे हो बच्चा? एक साधु को देख रहा हूं महाराज। हाँ, भीखी साधु? हाँ। अरे वो चोर था, लुच्चा था, लफंगा था, घोर उसके दोनों चोले भी थे। हाँ आते, बहुत से लोगों का पैसा लूटकर भाग गए, तुम्हारे भी क्या? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पूरे जीवन भर की कमाई उसके पास है, मैं क्या करूं भगवान। जा बच्चा, अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता, मुसीबत टली, भोलेनाथ भी मुझे नहीं पहचान सकते। जय भोलेनाथ। प्रसाद लेना भैया? हाँ। परदेसी जान पड़ते हो? हाँ, मैं राती भर का रहने वाला एक व्यापारी हूँ। कुछ परेशान दिख रहे भैया। बहन, इस नगर में मेरे साथ बड़ा छल हुआ है। छल? किसने किया छल तुम्हारे साथ? अब क्या बताऊं बहन जी, मैं कुछ दिन पहले इस नगर में आया था, मेरे पास थोड़ा सा धन था, चोरों के डर के कारण मैंने वो धन यहाँ एक साधु के पास रखवा दिया, बस वो साधु मेरा धन लेकर कहीं भाग गया। अब मेरी बिटिया की शादी कैसे होगी, और उस साधु की जगह एक नया साधु वहाँ आ गया। कौन? वो काना साधु? हाँ वही। अरे भैया तुम तो धोखा खा गए, ये काना साधु वही है जिसे तुमने धन दिया था। लेकिन उसकी एक आँख फूट गई। अच्छा, और वो तुम्हारा धन देने से इनकार कर रहा है? हाँ बहन जी। सुनो, मैं तुम्हारा धन दिला सकती हूँ। वो कैसे? हम दोनों को मिलकर एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक? अरे तुम सुनो तो सही। भैया मैं अपने कुछ गहने ले जाकर उसके सामने फैला दूंगी, तुम उसी वक्त उसके सामने पहुँच जाना, वो फौरन तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। मेरे पैसे दे देगा? हाँ। कैसे? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। प्रणाम साधु महाराज। कल्याण हो देवी, तेरा सुहाग बना रहे। महाराज मैं आपके पास एक खास काम से आई हूँ। बोलो देवी, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मेरे पति बहुत दिनों से परदेश गए हुए हैं और उनका कोई समाचार नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं भी जाना चाहती हूँ, परंतु ये। परंतु क्या? महाराज मेरे पास कुछ गहने हैं, इन्हें लिए मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी, और फिर चोर डाकुओं का भी डर बना रहता है। आप ऐसा कीजिए, ये आभूषण अपने पास रख लीजिए, मैं वापस आकर इन्हें ले लूं। ठीक है देवी, ये तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी, जब जी चाहे आकर ले जाना। महाराज। आयुष्मान महाराज। अरे भाई हमने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था। हाँ, और तुमने दर्शन ही नहीं दिए। हाँ, ये तुम्हारी अमानत हमने काफी दिनों से संभाल कर रखी है। हाँ महाराज। अब ये लो तुम्हारी महाराज। मालकिन आप यहाँ हैं, मालिक वहाँ घर पर पहुँच गए हैं। क्या, घर पहुँच गए हैं? ये क्या करो देवी? स्वामी जी मैं अपने गहनों की रक्षा खुद कर लूंगी, अब क्या सोच रहे हैं भैया? मैं सोच रहा हूँ दुनिया भी क्या रंग बिरंगी है, मैंने इसे साधु महात्मा समझा, इस पर विश्वास किया और धोखा खाया, और एक और आप हैं कि निस्वार्थ आपने मेरी सहायता की। मालकिन जल्दी घर चलिए, मालिक घर लौट आए हैं। तू सच कह रही है? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये कैसे हो गया भैया? हाँ? मैंने तो पति के आने का नाटक किया था। हाँ? लेकिन वो सच हो गया, मेरे पति सचमुच आ गए। हाँ तभी तो कहा है, कर भला सो हो भला। हाय दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, सबसे बढ़कर दुख ये है, कुटिया तोड़ी आंख भी फोड़ी, हाथ नाई फूटी कौड़ी। जय भोलेनाथ। ना कोई राजा ना कोई रानी, दिल कहता है दिल की जबानी। सुनो कहानी